पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण छोड़िए, केवल अपने चरणों को घर पर रखिए। सरकार ये कह कहकर थक गई, घरों में रहो, बाहर मत निकलो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मरने के बाद नर्क भी जाएंगे तो स्वर्ग में भी झांक के देख लेंगे यहाँ क्या हो रहा। घर में बैठे बैठे बीबी से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि बातें करते करते गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया। आज तो एक पत्नी ने हद ही कर दी, तुम्हें मेरे करवा चौथ पे भरोसा नहीं है क्या, तुम बाहर घूमो बिंदास। ट्रक के पीछे जो लिखते थे, अब वो इंसानों के पीछे लिखने की नौबत आ गई है, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। कसम से घर में रह रह के अब तो ऐसी हालत हो गई है कि कहीं लखनऊ भी लिखा हो ना तो लॉकडाउन पढ़ लेता हूं। आज हम सुबह सुबह देख रहे थे रामायण, जैसी ताड़का दिखाई थी, हम पापा से पूछे ये कौन है, बोले बेटा मौसी है, अम्मा बोली बुआ है, फिर का रामायण खत्म, महाभारत शुरू। यार रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते जितने स्टार प्लस वाले दिखाते हैं, और पड़ोसी इतने अच्छे भी नहीं होते जितना तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दिखाते हैं। अदालत में अगर कसम खिलाने की जगह चार पैग पिलाए जाए ना तो सच बोलने की संभावना ज्यादा। बस एक बार लॉकडाउन खुल जाए, 6-7 दिन तक घर ही नहीं आऊंगा, देख लेना।